हाँ तो भाई, अगर पिक्सल रोम का फ़ायदा चाहिए प्योर पिक्सल ओएस का, तो इस वीडियो को जरूर लास्ट तक देखना। तो शुरू करते हैं। तो हे गाइस, इन दिस वीडियो मैं आपको पिक्सल ओएस के बारे में बताऊंगा जो रेडमी नोट 10 के लिए मैंने इंस्टॉल किया है। ये बिल्कुल ही बेस्ट रोम है इस डिवाइस के लिए। आप देख सकते हो ये करंटली एंड्रॉयड 12 पे वर्क कर रहा है। मैं पहले स्पेक्स बता देता हूँ इस रोम के, उसके बाद मैं कैरी टू फॉरवर्ड करूँगा आगे की तरफ। और एंड्रॉयड सिक्योरिटी 5 फरवरी का जो अप टू डेटेड है। कर्नल वर्जन मुझे लिपकैम का मिला है, नेट अर्नल्स का। बिल्ट नंबर SQ1D पिक्सल ओएस मोजिटो है, आप देख सकते हो। उसके बाद मैं सिस्टम में दिखा दूँ तो ये अब एक ऑफिशियली बिल्ट हो चुका है, तो आपको अब सिस्टम अपडेटर भी मिलेगा। एज अ लाइक ये पिक्सल ओएस के जैसा ही हो गया है, मतलब तो पिक्सल एक्सपीरियंस जैसा, ज़्यादा कुछ डिफरेंस नहीं मिलेगा इसमें। बट हाँ, पिक्सल ओएस नाम ही रखा है तो फिर तो होगी ना फंक्शनलिटी। यहाँ पे आपको क्विक टैप मिल जाता है, जैसे कि मैं पिछले ऐसे करूँगा, स्क्रीनशॉट आ गया, ये देखो स्क्रीनशॉट आ गया। तो क्विक टैप में बहुत सारी चीज़ डाल सकते हो, जैसे सो रीसेंट ऐप्स, ऐसे करके आप रीसेंट ऐप्स में जा सकते हो, जैसे ऑटोमेटिक रीसेंट ऐप्स में जा रहा है। या सॉरी, उसके बाद डिसेबल आप टॉर्च कर सकते हो, यहाँ पे ओपन क्विकली ओपन कर सकते हो कैमरा को। 100 मोड दिया है जो ऐसे वर्क करता है, मैंने नोटिफिकेशन किया है। अगर आप चाहो तो पुल डाउन टू रीच भी हो सकता है, बट मुझे बेसिकली नोटिफिकेशन ज़्यादा अच्छा लगता है। बहुत लोग इरिटेट होकर इसे बंद कर देते हैं। स्वाइप टू स्क्रीनशॉट मिल जाएगा, वो तो नॉर्मल। टैप टू स्लीप दिया है, एक्स्ट्रा ऑप्शंस। अडेप्टिव प्लेबैक है, मैं ऑन रखता हूँ। मैं एक्चुअली गाना बहुत सुनता हूँ तो मुझे चक्कर। लाइव ट्रांसलेशन है, आपको डाउनलोड करना पड़ेगा अपने लैंग्वेज के हिसाब से भी। और यहाँ पे रीसेट ऑप्शन, ये सब जैसे डिफरेंट नॉर्मली रहता है, वो रीसेट का ऑप्शंस दिया हुआ है। कुछ खास नहीं है यहाँ पर। गूगल सर्विस में आपको अपने अकाउंट शो कर देगा। डिजिटल वेलबींग में आपको शो योर डेटा पर क्लिक करोगे तो आपका फ़ोन कितना देर आप यूज़ किया वो तो सब आप मालूम ही है। डैशबोर्ड में आप जाओगे, यहाँ देख सकते हो सब कुछ मेंशन्ड है। और इस वीडियो में मैं कोई भी टाइप का अंतितु ये सब नहीं करूँगा ज़्यादा। एक्चुअली अगर मैं सीपीयू थ्रोटल भी टेस्ट करता तो कोई फ़ायदा नहीं होता इस डिवाइस, क्योंकि अभी ठंडे की मौसम चल रही है तो इसको टेस्ट करना बेकार ही है इसके ऊपर। सिक्योरिटी में मैं आपको दिखा दूँ, फिंगरप्रिंट मैंने नहीं लगाया पर ऑप्शंस दिया हुआ, सिम कार्ड लॉक है, ये सब तो जेन्युइन थिंग है। एसेसिबिलिटीज में आ जाओ, टॉक बैक है, टेक्स्ट ऑन डिस्प्ले, एक्स्ट्रा डेम का फीचर दिया हुआ है, मुझे जो नहीं पसंद है एक्स्ट्रा डेम करना ज़्यादा। टाइमिंग कंट्रोल्स है, सिस्टम कंट्रोल, हैप्टिक फीडबैक मैंने ऑफ रखा हुआ है। अगर कहोगे तो आप देखोगे तो हैप्टिक फीडबैक जो आपको अच्छा मिलता है एक्सपीरियंस करने में। लाइव ट्रांसक्राइब मैंने दिखाई दिया। साउंड एम्पलीफायर है, अगर आपको ट्रेबल वॉइस में अच्छा लगता है तो आप इनेबल कर लो भाई लोग, क्योंकि मुझे तो बहुत अच्छा लगता है, मैं सुनता गाना बहुत ज़्यादा हूँ, तो हो सकता है आपको भी अच्छा लग जाए। उसके बाद एसेसिबिलिटी मैंने दिखा दिया। वॉलपेपर एंड स्टाइल्स में डार्क थीम का ऑप्शन है, डार्क थीम इनेबल कर सकते हो आप। थीम आइकन का ऑप्शन है, जो यहाँ पे थीम आइकन हो जाएगा, पर मुझे थीम आइकन आजकल कुछ वॉलपेपर पर बेसिकली मुझे नहीं पसंद है। मैं तो बेसिक कलर्स में ग्रीन रखता हूँ, यूज़ करता हूँ। और अगर मैं इधर बाहर आऊँ, सॉरी ये एक्चुअली खुलता नहीं जल्दी, सेटिंग्स में वापस आता हूँ। तो डिस्प्ले में वही अडेप्टिव ब्राइटनेस, लॉक स्क्रीन में आपको ऑलवेज शो एंड टाइम है। अगर मैं ऑफ़ कर दूँ तो ऑलवेज़ ऑन डिस्प्ले आ जाएगा, बट बैटरी बहुत खाता है, कह दे रहा हूँ पहले ही। और डिस्प्ले साइज़ का ऑप्शन है, नाइट लाइट है, कुछ ज़्यादा खास नहीं है। स्टोरेज उसमें है नहीं कुछ। हाँ, मुझे बैटरी अच्छा खासा मिला इस रोम में, मैंने कल चार्ज किया था करीबन 3 बजे दोपहर में, और ठीक ठाक चला मेरा, ज़्यादा मैंने चार्ज करने की जरूरत नहीं पड़ी। नोटिफिकेशंस में आपको ऐप का सेटिंग्स दिखा देगा, अगर आप यहीं से सबका नोटिफिकेशन कंट्रोल कर सकते हो। कॉन्वर्सेशन, आपको अगर बबल चाहिए तो आप बबल से यहाँ कर सकते हो, और पुराने जो जो मैसेज आए हुए हैं उसको आप यहाँ से, अगर आपने नोटिफिकेशन पैनल से क्लियर कर दिया तो आप यहाँ से देख सकते हो। ऐप्स में आ जाता हूँ, डिफ़ॉल्ट ऐप्स में आपको पिक्सल लॉन्चर मिल गया है। ओके, नो नो नो, वन सेकेंड। ऐप्स में वापस से यहाँ पे गेम सेटिंग्स भी, अगर चाहो तो गेम टर्बो भी इनेबल आप कर सकते हो। गेम टर्बो इस रोम में दिया गया है। कनेक्टेड में मैंने अपना नेक बैंड यूज़ किया, ज़्यादा कुछ नहीं।
ये यहाँ पे मैंने वाईफाई कनेक्ट किया हुआ, अपने लैपटॉप से ईथरनेट करवाया और ज़्यादा कुछ मैंने यूज़ नहीं किया इसमें। फ्लूइड बहुत है रोम, देख लो फ्लूइड कितना है। उसके बाद मैं अगर बात करूँ सेफ्टी सर्टिफिकेशन का डिवाइस का, तो सेटिंग्स डिवाइस इज सर्टिफाइड। उसके बाद मैं आपको अंतुतु का बेंचमार्क भी दिखाई देता हूँ। इसका काइंड ऑफ सीम्स लाइक एकदम नॉर्मल सा स्कोर है, मुझे कुछ खास अच्छा नहीं लगा स्कोर पहले कंपेरिजन। अगर आप और इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप मेरे टेलीग्राम ग्रुप एट्रिया क्रिएटर्स को ज्वाइन करो वीडियो के अपडेट्स के लिए, और डिस्कशन ग्रुप को भी ज्वाइन कर सकते हो। यहाँ पे वी हैव ऑलरेडी 4 मेंबर्स, सो आप ज्वाइन कर सकते हो यहाँ। उसके बाद मैं आपको दिखा दूँ, मैंने तो इसमें कैमरा ऐप इंस्टॉल किया हुआ है। रूट चेकर में अगर मैं आपको दिखा दूँ, रूट चेकर, ये रूट प्री रूटेड रॉम नहीं है, मैं बोल दे रहा हूँ, नॉट रूटेड। उसके बाद मैं सेफ्टी नेट भी रन करके दिखा देता हूँ, सेफ्टी नेट भी रन करके बैंकिंग एप्स इजीली वर्क करेंगे, कोई इशू नहीं आएगा इस रोम में। या मेरा तो ये हो गया। अगर इस रोम को इंस्टॉल करना है तो सिंपली रिस्टार्ट में जाकर रिकवरी पे दबाना, ये रिकवरी में बूट कर रहा है। आपको मालूम होगा कि ऑरेंज फॉक्स अब ऑफिशियली रेडमी नोट 10 के लिए स्टेबली बिल्ट आ चुका है, तो फ्लैश कर लो इस डिवाइस के बूट पार्टीशन में। आफ्टर दैट इसको आपको जेन्युइनली ये बूट हो जाए, उसके बाद मैं आपको दिखाता हूँ। बट दिस टाइम ये आपको मैंने ऑरेंज फॉक्स यूज़ करा था, ये नहीं वर्क करेगा, क्योंकि मैंने जब पिक्सल ओएस फ्लैश किया तो पिक्सल ओएस का रिकवरी इसमें फ्लैश हो गया है। तो ये सीम्स टू बी लगेगा पिक्सल एक्सपीरियंस का ही, क्योंकि है ही पिक्सल एक्सपीरियंस का। अभी उसके बाद भी आप अगर चाहो तो पिक्सल ओएस की रिकवरी के ऊपर ऑरेंज फॉक्स का आप डाल सकते हो, उसमें कोई इशू नहीं आएगी। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोज, टिल देन।